अच्छा भैया, बनारस कौन सी जाएगी? बनारस कौन सी बस? ये वाली? जी 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 आयुष एयरपोर्ट पानी ठंडा गाइस, बस वहीं पे स्टॉप हुई है जहाँ पे लास्ट टाइम स्टॉप हुई थी, और अभी करते हैं कुछ थोड़ा मुड़ा खा लेते हैं ताकि कुछ पेट में रहे। बस में कुछ खा के नहीं निकला। दो समोसा दे दीजिएगा। हाँ तो गाइस, बस चलने लगी, मुझे लेट हो गया तो बस पे बैठ के खाते हैं। तो गाइस, बनारस स्टैंड पे यहाँ पे उतर गए। अब यहाँ से मुझे देखनी है दूसरी बस, पर कहाँ जा रहा हूँ ये तो आगे ही बताऊंगा, बट अब दूसरी बस मैं आगे पता करता हूँ कहाँ पे मिलेगी। सो गाइस, फाइनली मैं यहाँ पे उतर चुका हूँ बस से, और अब यहाँ पे वेट कर रहा हूँ किसी का। जो आ रहा है उसको तो आप पहचानते ही होंगे, तो आएंगे तो वो देख लेना कि कौन आ रहा है। तो अभी फिलहाल मेरे को थोड़ा सा प्यास लगी तो मैं पानी ले लेता हूँ, पानी पीता हूँ और फिर आगे ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। वैसे तो गर्मी ज़्यादा नहीं है, अभी गर्मी 29 डिग्री सेल्सियस अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था। देखा कितने कम सेकंड में ब्लॉग का मतलब फायदा ही होता है, इतने कम सेकंड में आप भाई एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफर हो सकते हो। तो मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है कि कितना मेहनत लगा भाई ट्रांसफर होने में, मतलब वहां से यहाँ आने में, मतलब कितनी थकावट हुई। वहां तो धूप भी थी, अभी भी हल्की हल्की यहाँ पे पीछे धूप है, बट आप लोग के लिए करना पड़ता है कंटेंट भाई साहब, कंटेंट। लॉकडाउन में ये नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे। सो अगर मेरी वीडियो जो पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें ये पता होगा कि मैं किधर आने का प्लान बना रहा था या फिर किधर आया होऊंगा। इधर तो धूप है यार, छांव में। सो गाइस, फाइनली हम आ गए हैं जिसका इंतजार था। अभी पता चल रहा है, 2-3 मिनट बाद ही पता चल रहा है मैं कहाँ आया हूँ। सो ये इनको तो पहचान ही रहे होंगे। यो भाई साहब, ये तो भाई मतलब एकदम स्टार्ट पे। अगर आप लोगों ने 10 फिट नहीं सब्सक्राइब किया है यार, तो 10 फिट जाके सब्सक्राइब करो। इसका जो स्टार्टिंग का है यार, भाई भयंकर पोएट्री बनाते हैं। अभी इनकी 2-3 पोएट्री और मैंने देखी, और यहाँ पे भी 100 हो सके तो आगे पोएट्री थोड़ी शूट होगी। तो बहुत मज़ा आया यार भाई, क्या मैं आया इतने दिन बाद। तो अब आगे यहीं पे रहते हैं 2-4 दिन, गाँव का ब्लॉग आप लोग को दिखाते हैं, पीछे खेत हरियाली आप लोग तो देख ही रहे होंगे। तो ये सब दिखाते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं। ओ भाई,
सो गाइस आए थे यहाँ पे मंदिर और बैठे बैठे यार काफी देर तक यहाँ पे बैठे थे, मतलब इतना सुकून, मतलब ये भाई साहब जो मंदिर है ना गांव की सीरियसली में शान बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे बैठ के पीछे कीर्तन की आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही होगी, बैठ के यार इतना चिल कर रहे थे, इतना शांति फील कर रहे थे ना, मतलब आज तक मैंने सीरियसली ऐसा शांति नहीं फील किया मंदिर में। काफी देर तक मैं और ऋषभ भैया बैठे थे और ऋषभ भैया की यहाँ पे पोएट्री शूट हो रही थी। मेरे जब भी किसी ना किसी का शूट होता है तो मेरा कपड़ा उतर ही जाता है, तो ऋषभ भैया की पोएट्री शूट हो रही थी तो कपड़े उपड़े भाई चेंज करने पड़े शॉर्ट्स के लिए, तो उसका इसी वीडियो में एक सेकंड में देता हूँ। 1 2 3 Hey guys, this is Rishabh Dev Dubey, AKA The Spirit. तो चलिए अब कविता पढ़ते हैं। बंद कर खुद को दरवाजे में, उसने खुद को कितना समझा। पैरों को मोड़ कर हाथों को मरोड़ कर तो गाइस यार वीडियो का ट्रेलर कैसा लगा? अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं क्योंकि वीडियो शूट हो गई है। और वीडियो का ट्रेलर देखे हो तो भाई चैनल पे जरूर जाना, मैंने वीडियो इस बार एडिट की है, फर्स्ट टाइम ऋषभ भैया के चैनल पे मैंने काम किया है, तो मैंने वीडियो एडिट की है, शूट की है, तो मेरा जाके काम देखो उधर। और ऋषभ भैया की पोएट्री बहुत मजेदार है वो सुनो, और अच्छा लगे चैनल तो सब्सक्राइब करना, मेरा भी चैनल सब्सक्राइब करना। तो गाइस यहाँ पे आए पीछे यार कुछ नाश्ता करने, शाम हो गई है तो अब थोड़ा सा कुछ खाते पीते हैं गांव का। अब तो सारा गांव का ही ब्लॉग आएगा दोस्तों, मतलब कि गांव में कैसे कैसे लिविंग स्टाइल है, गांव के स्कूल, गांव के मंदिर, गांव का खेत, पूरा यही सब आएगा। तो अब गांव का चाट टेस्ट करते हैं और बताते हैं। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, और अभी सुबह सुबह ये देखिए ये क्या कर रहे हैं हम लोग, इसे कहते हैं गाँव में दातुन जो होती है। ये मेरे पीछे जो नीम का पेड़ देख रहे हैं ये पूरा इसका बना हुआ है। तो यार गांव की जो सुबह की भाई मॉर्निंग स्नैकिंग बेस्ट थी, मतलब पूछो मत, सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ से मैं उठा हूँ, क्योंकि यार ये गांव है शहर नहीं है। मतलब शहर में तो होता है कि गाड़ी का पोंपा पोंपा मम्मी लात मार के उठाती हैं, बट यहाँ शहर है, अरे ये सॉरी ये गाँव है, तो यहाँ पे इतना यार स्मूथ मॉर्निंग हुई है ना, मतलब पूछे मत। तो चाय का टाइम है, चाय पी रहे हैं और गाँव में तो मतलब ऐसे गंजी में ही रहते हैं, सब गंजी में ही है। और अब आगे का गांव का जो ब्लॉग रहेगा, स्कूल का, खेत का, तो सब आगे कंटिन्यू। सो गाइस ये है सुबह का नाश्ता, अभी हम लोगों ने चाय पिया, अब ये मैंगो जूस और ये मैक्रोनी। यार ऋषभ भैया की तरफ से इतना प्यार मिल रहा है मुझे, वाह वाह वाह, ऋषभ भैया को धन्यवाद मेरा। और आप लोग भी इनके चैनल को सपोर्ट करो यार, नहीं करोगे तो मतलब करो। ब्लॉग करते हैं यहीं पे मॉर्निंग के समय, जहाँ पे शुरू होना चाहिए वहाँ पे मैं एंड करता हूँ, मतलब पागल हूँ मैं, पर कोई बात नहीं। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।